डियर स्टूडेंट, मैं विवेक सर एज एजुकेशन से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहला वीडियो मैं अपने एच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं भेज रहा हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि एज एजुकेशन हमेशा से आपके लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश करता रहा है, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपको अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से मिलती हैं, जो एज एजुकेशन के पार्टनर्स हैं उन सेंटर्स के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका कंप्यूटर सीखने का जो पर्पज़ है वो एक पर्पज़ है कि आपको नौकरी मिल सके, और नौकरी के लिए शायद हम सब बहुत कम प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन एज एजुकेशन ने इस फॉर्मेट को चालू कर दिया है और इस फॉर्मेट के हिसाब से एज एजुकेशन अब आपको जॉब में भी बहुत हेल्प करने वाला है। और जॉब में हेल्प करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपका लॉगिन आपको पता होना चाहिए। आपका लॉगिन क्या है, उस लॉगिन के अंदर कितनी पावर है ये आपको नहीं पता है, आप इस लॉगिन को पूरा इस्तेमाल शायद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। और इसके संबंध में पहली चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपना लॉगिन जा करके लॉगिन करना है, और इसके अंदर जॉब के सेक्शन में जा करके आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ऊपर ऐड सीवी कैरिकुलम विटे का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको ऐड सीवी में एक फॉर्म खुल करके आएगा, आपको केवल वो फॉर्म भर देना है। क्योंकि सीवी अगर आपको नहीं भी बनानी आती है तो आपको केवल और केवल एक काम करना है कि आपको ये फॉर्म भर देना है और सीवी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप जब जब इसमें अपडेट करेंगे तब तक आपकी सीवी अपडेट होती जाएगी, और ये सीवी जब आप बना लेंगे तो आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर आपको बहुत सारी जॉब्स मिलने वाली हैं, क्योंकि हम लोग हज़ारों रिक्रूटर से बात कर रहे हैं कि वो अपनी जॉब पोस्टिंग्स हमारे पोर्टल पे डालें, और इस पोर्टल के कारण ये जॉब्स आप सभी को मिलेंगी। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एच के हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद अपना सीवी ऐड करिए और अपने पोर्टल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए, उसके एग्ज़ाम्स दीजिए, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स दीजिए, उसके अंदर वीडियोस हैं, वीडियोस से पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, आप उनसे नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने सेंटर से बात करिए, आपके जो सेंटर ओनर हैं, जो आपके सर हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपका आईडी नहीं बना है तो आप उस आईडी के बारे में उनसे बात करिए, वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे। और इस तरीके से हो सकता है एज एजुकेशन के हम हर छात्र को एक अच्छी नौकरी दिला पाएं। धन्यवाद।